श्री गणेश भगवान की जय हो, जयकार है मेरी शेरावाली माई जी दा, बोल साचे दरबार की जय हो, श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। आज माँ भगवती के असीम आशीर्वाद से हम, आज 21 तारीख है, 21 जनवरी 2022, आज माघ महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि भी है, क्योंकि जब ये साल में तिथि आती है तब संकट चौथ का त्यौहार मनाया जाता है। तो आज आप सभी के लिए, आप सबके कहे अनुसार मैं इस कथा को आप सभी को सुनाना चाहती हूँ। मैं शिव शक्ति धाम के सभी बच्चों को गणेश भगवान के समक्ष ये अरदास उनके लिए करती हूँ, उनके जीवन में जो भी कोई कष्ट आए वो प्रभु के आशीर्वाद से टल जाए और सबके जीवन में मंगल कामनाएं हो। ऐसी आज माघ महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर मेरा प्रभु के साथ आपके लिए यही संदेश है। हम सभी गणेश भगवान के लिए इस व्रत को रखते हैं। इस व्रत को रखने के लिए घर की महिलाएं इस व्रत को सारा दिन निर्जल रहकर भी रखती हैं और शाम को इसकी कथा करती हैं, पूजा करती हैं और उसके बाद फल या भोजन ग्रहण करती हैं। तो इस कथा के अनुसार एक गांव में एक कुम्हार परिवार हुआ करता था। एक पूरा समुदाय था जहां पर सभी तरीके के कुम्हार रहते थे और वो जो सारे कुम्हार थे वो मटके बनाते थे। जैसे वो बहुत सारे मटके बनाते तो उस मटकों में वो एकत्रित करते चले जाते थे, फिर उन सभी मटकों को पकाने के लिए एक आग जलाई जाती थी। उस आग को उस भाषा में आवा कहा जाता है। तो कुम्हार जो है बड़ी प्रयास के साथ उस आवा को सजाते और अपने मिट्टी के बनाए हुए जो बर्तन हैं उसको उसमें रखा करते थे, लेकिन वो बड़ा प्रयास करते और अग्नि को बहुत प्रचंड कर भी जलाते तो भी उनके जो बर्तन थे मिट्टी के वो पूरी तरीके से पक नहीं पाते थे। तो सारा कुम्हार जो समुदाय था वो बहुत ज़्यादा परेशान था कि इतने प्रयास के बाद भी हमारे मटके पकते नहीं हैं, जिससे बर्तन अच्छे नहीं बनते और उनका ढेरों नुकसान होता है। ऐसे में हम क्या करें, क्योंकि गांव है तो उसमें एक राजा रहता है और जैसे उस राजा के पास इस बात को रखा गया तो वहां पर एक पंडित जी रहते थे और पंडित जी से ये प्रार्थना की गई कि ये जो घोर समस्या है इसका आप ही कोई उपाय बताएं, क्योंकि जब ऐसी समस्या यहां प्रकट हुई तो ज्ञान हुआ कि इस व्रत को रखने के लिए इस संकट की घड़ी में एक संकट माता जी है और उस माई को गांव के प्रत्येक घर से एक बलि चढ़ाई जाएगी। जैसे ही उस बलि को चढ़ाया जाएगा वैसे ही ये आमा पकना शुरू हो जाएगा और आमा पकने के बाद सभी प्रकार के बर्तन जो है वो उचित रूप से पकने लगेंगे। क्योंकि पंडित जी ने ऐसा उपाय बताया तो सभी गांव वाले जब आमा पकने की बारी आती तब एक बच्चे की बलि वहां चढ़ा दी जाती। जिस प्रकार हर बार बलि चढ़ती गई आमा पकना शुरू हो गया और उससे बर्तन भी पकने लगे। लेकिन ऐसी स्थिति आ गई कि अब बच्चे गांव में कम होने लगे। अब ऐसे में क्या करते, उन्होंने सोचा कि
कि इसका कोई सुझाव तो जरूर होगा। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक बुजुर्ग महिला के बच्चे की बारी आई, क्योंकि उसके पास वो एक ही जीने का सहारा था और गांव में भी बहुत कष्ट और संकट का समय चल रहा था। ऐसे में गाय ने सोचा कि अब क्या किया, महामाई की असीम आशीर्वाद से उनके पास कुछ भी नहीं है। वो जो माँ है जिसके पास इकलौती एक ही संतान है, उसकी बलि वो किस प्रकार से देगी। जब ऐसी कथा हम सब सुनते हैं तब हम उन्हें मात्र कथा समझते हैं, लेकिन अगर किसी बुजुर्ग महिला का एक ही पुत्र हो जिसकी उसे बलि चढ़ानी पड़े तो ये घोर संकट की घड़ी आ जाती है। उसे कुछ समझ में नहीं आया। वो सकट माता की बहुत बड़ी पुजारन थी, बहुत भक्ति करती थी, तो उसने माँ से ये आज्ञा ली और उसके हाथ में, अपने पुत्र के हाथ में एक सुपारी रख कर कहा कि तुम अपनी सकट माता का ध्यान करना और आमा में जाकर बैठ जाना। और उस दिन फटाफट आमा पकने लगा और उनके सभी मटके कुछ ही देर के बाद पक गए। जब वो सुबह उठे तब सबने देखा कि आमा अच्छे से पका हुआ है, जिसमें सभी मटके और सभी मिट्टी के बर्तन पक चुके हैं। और उन्होंने देखा कि बुढ़िया का जो बेटा है वो भी उस आग में जीवित ही बैठा है। उन्हें ज्ञान हुआ कि सकट माता की जो महिमा है वो अपरंपार है। और उसी दिन से संकट माता की पूजा शुरू की गई उस गांव में। उस दिन के बाद फिर कभी बलि नहीं चढ़ाई गई और सकट माता की पूजा निरंतर हम सब रखते रहे और यही मंगल कामना करते रहे कि जो ये सकट का समय है, जब माँ ने एक पुत्र की रक्षा की तो प्रत्येक माँ अपने बच्चों के लिए इस व्रत को रखती है ताकि उनकी उम्र लंबी हो, उनके जीवन में कभी कोई संकट नहीं आए और उनका जीवन बहुत मंगलमय हो। संकट महामाई की जय हो। जब हम संकट माता की पूजा करते हैं तब हमारे जीवन में संकट दूर हो जाते हैं। और इसका पूजा का विधान गणपति जी महाराज के लिए भी माना गया है कि जब हम इस पूजा को गणपति महाराज और संकट माता के समक्ष बैठकर करते हैं तब ये जो व्रत है वो परिपूर्ण हो जाता है। और शाम को इसकी कथा सुनकर ही सभी महिलाएं इनको भोग लगाती हैं और किसी किसी स्थान पर तिल कुट किया जाता है। और तिल को कुटने के बाद एक छोटा सा खिलौना बनाया जाता है और उसकी बलि देकर भी उसका प्रसाद चढ़ाया जाता है। माँ अपने सभी बच्चों को बहुत सारी खुशियाँ दे। आप सबके घर में कभी ऐसी घड़ी ना आए ताकि आपके बच्चे किसी संकट में गिरे। इसलिए महामाई की असीम आशीर्वाद से सकट माता की आप सब पूजा करें, गणपति जी महाराज की पूजा करें और अपने जीवन को मंगलमय बनाएं। ऐसा मेरा माँ भगवती से आप सबके लिए आशीर्वाद है। जय माता दी, जय भोलेनाथ। यहाँ नहीं।